नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में एक साइड लोड ऐप इंस्टॉल करेंगे जो कि एक ऐप स्टोर है एप्टोइड टीवी। इसमें हम आज फायरफॉक्स भी चला के देखेंगे और हम माउस का यूज भी करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है और क्या क्या आता है इसमें, इस पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम लैपटॉप ओपन कर लेंगे। लैपटॉप में हम एक पेन ड्राइव लगा लेंगे और गूगल ओपन करके एप्टोइड टीवी सर्च कर लेंगे। यहाँ पे डाउनलोड एप्टोइड टीवी, ये एपीके फाइल हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारी फाइल अब डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे पेन ड्राइव में इसको कॉपी कर देंगे। वैसे इसमें पहले ही पड़ी थी तो मैंने इसे पेन ड्राइव में अब इसको डाल लिया है। तो चलिए अब हम इसको बॉक्स में पेन ड्राइव को लगा लेते हैं। पेन ड्राइव लगा देता हूँ अब मैं एक्सट्रीम बॉक्स में। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो पेन ड्राइव है हमारी रिमूवेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये पेन ड्राइव में क्या पड़ा है इसको देखने के लिए पहले हमें एक फाइल एक्सप्लोरर ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ऐप्स एंड गेम्स में चलते हैं, प्ले स्टोर सर्च में जाके यहाँ हम FX लिख देंगे। FX फाइल एक्सप्लोरर हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। फाइल एक्सप्लोरर ऐप हमारी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। तो इसको हम टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पे इसकी अलाउ कर देंगे। यहाँ तो यहाँ पे हम USB स्टोरेज देख लेंगे ओपन करके। तो देखिए जो हमने एप्टोइड टीवी APK है वो डाली थी, इसमें हमें शो हो रही है वो। तो इससे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स, एंड्रॉयड सेटिंग्स के बाद जाना है हमें ऐप्स में, सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे अननोन सोर्सेज पे जाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे FX नोट अलाउड आ जाएगा तो इसको हम टिक कर देंगे, अलाउ कर देंगे। तो अब चलते हैं हम फाइल एक्सप्लोरर ऐप में। एप्टोइड टीवी APK है, इसको अब हम यहां से इंस्टॉल करते हैं। एप्टोइड टीवी एक तरह का प्ले स्टोर ही है, ये मतलब ऐप स्टोर है जिससे हम बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो हम प्ले स्टोर में हमें अवेलेबल नहीं रहती। वो काफी बहुत सारी ऐप्स हम यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे फायरफॉक्स हो गया और भी कई ऐप्स हैं। तो इसमें अनलिमिटेड ऐप्स हैं। तो यहाँ पे एप्टोइड टीवी इंस्टॉल्ड हो चुका है, यहाँ डन कर देते हैं। तो चलिए अब ऐप्स में जाके देख लेते हैं। एप्टोइड टीवी हमारा यहाँ इंस्टॉल हो चुका है और ओपन करके देखते हैं, इसमें देख लेते हैं हमें इसमें बहुत सारी ऐप्स हैं। तो यहाँ पे न्यू अपडेट आई हुई है तो ओके कर देंगे। यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे इसको, एक बार अलाउ कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए इसमें बहुत सारी ऐप्स दी गई हैं हमें जो हमें प्ले स्टोर में नहीं मिलती है।
यहाँ पे हमें फायरफॉक्स ब्राउजर भी मिल जाता है। यहाँ से हम फायरफॉक्स ब्राउजर को इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें हम माउस का भी यूज कर सकते हैं। तो फायरफॉक्स ब्राउजर हमें इंस्टॉल करने से पहले हम फिर से एक बार परमिशंस में जाएंगे, इसकी सेटिंग्स, फिर से वही एंड्रॉयड सेटिंग्स। एप्स, सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस और अननोन अननोन सोर्सेज। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे एप्स आ जाती हैं, तो एप्टोइड टीवी को भी अलाउ कर देंगे। ठीक है, ये भी कर दिया। आप बैक चले जाते हैं एप्टोइड टीवी में। फायरफॉक्स यहाँ से हम अब इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ फायरफॉक्स हमारा डाउनलोड हो चुका है ऐप, अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ यहाँ से हम ओपन कर लेंगे इसको, फायरफॉक्स को। देखिए, अभी मैं इसमें फायरफॉक्स में आपको माउस भी लगा के दिखा देता हूं। जैसे हम कुछ भी यहां ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा इसमें विकिपीडिया भी ओपन हो जाता है। इसमें हम जो भी है सभी तरह की वेबसाइट इसमें ओपन करके हम कुछ भी ब्राउज वगैरह कर सकते हैं इसमें। तो ठीक है, ये तो हमारा इसमें अब फायरफॉक्स हो गया। अब इसमें एक चीज़ और बच जाती है जो हमें इंस्टॉल करना ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो एप्स एंड गेम है, नॉर्मल टीवी का ये प्ले स्टोर है, तो यहाँ पे हमें फायरफॉक्स की ऐप दिखाई नहीं दे रही है। तो एक ऐप हमें और इंस्टॉल करनी होगी, गूगल प्ले से ही कर लेते हैं, वो ए लॉन्चर के नाम से। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे ए लॉन्चर। ए टीवी लॉन्चर प्रो नहीं करना है, ए टीवी लॉन्चर करना है। इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें हमें ऐसी फाइल इसी में नज़र आएंगी जो हमें प्ले स्टोर पे ना तो डाउनलोड करने के लिए मिलती है, ना ही हम उनको देख सकते हैं। तो ए टीवी लॉन्चर में हमें वो एप्स इंस्टॉल की हुई नज़र आ जाती हैं। ए टीवी लॉन्चर भी हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो देखिए, आपको यहाँ ए टी वी लॉन्चर में फायरफॉक्स नज़र आ रहा है। अगर वैसे हम इसके इंटरफेस में देखेंगे एयरटेल एक्सट्रीम में, वहाँ पे फायरफॉक्स की ऐप हमें नज़र नहीं आएगी। देखिए, यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में फायरफॉक्स नज़र नहीं आता है, तो ये ए टी वी लॉन्चर में ही नज़र आता है। देखिए, ये रहा फायरफॉक्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने तीन ऐप डाउनलोड किए हैं। पहले हमने फाइल एक्सप्लोरर की थी, एप्टोइड टीवी और ए टीवी लॉन्चर। ये तीन ऐप हमारे एंड्रॉयड टीवी या कोई भी हमारा एंड्रॉयड बॉक्स है, टाटा स्काई बिंज हो गया, या उसका वीडियोकॉन डीटूएच का आ रहा है, डिश टीवी का भी आ रहा है, और एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स, तो ये तीन हमें अपने इसमें बॉक्स में ऐप इंस्टॉल कर ही लेनी है। ए टीवी लॉन्चर, एप्टोइड टीवी, एफएक्स। एप्टोय टीवी में बहुत सारी एप्लीकेशन, गेम्स, बहुत कुछ है जो प्ले स्टोर पे नहीं मिलते हैं। तो देखिए, कैटेगरीज में जाके हम देख भी लेते हैं। देखिए, फ्री गेम्स हैं यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे टीवी को सपोर्ट करते हैं, चलेंगे वो इसमें।
बहुत सारी ऐप हैं इसमें जो हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना। आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।